अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 135, जाने पहचाने। सुहाना की आवाज सुनकर नरेन फौरन संभल सा गया, क्योंकि ये दूसरी बार था जब सुहाना ने उसे यूं टोक दिया था। वो कुछ हड़बड़ा सा गया, तब सुहाना ने कहा, कोई बात है क्या? मैं देख रही हूँ तुम तब से लैला को इतने गौर से देखे जा रहे हो। नरेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या एक्सक्यूज दे। उसे पता था कि वो अभी कुछ भी बोलकर सुहाना से बच नहीं सकता था, क्योंकि उसने सुहाना के सामने आज तक जितना भी झूठ बोला हो, सुहाना उसे झट से पकड़ लिया करती थी। इसीलिए उसने तय किया कि वो सच बोल देगा। इसीलिए उसने एक बार अपना गला साफ करते हुए कहा, पता नहीं क्यों मैं जब भी लैला मैम को देखता हूँ ना, तो मुझे किसी की याद आ जाती है। मैंने तुमसे एक बार जिक्र भी किया था, तुम्हें याद है सुहासिनी? ये सुनना था कि लैला एक पल को बिल्कुल सन्न रह गई। तो ये मेरा वहम था कि नरेन मुझे पहचान नहीं पाया, लैला ने जैसे मन ही मन में खुद से सवाल किया। तभी सुहाना ने कहा, हाँ लैला, ये ना तुम्हें देखकर अक्सर कहता है कि इसे तुम्हारा चेहरा इसकी किसी रिलेटिव के जैसा लगता है। सुहाना की बात सुनकर अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि नरेन वाकई में उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे अभी खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी अहम बात कैसे भूल गई। बिना मेकअप के उसका चेहरा नरेन को पहचान में आ सकता था, और इस तरफ तो उसका ध्यान बिल्कुल ही नहीं गया था। ये सब कुछ सोचकर लैला ने जल्दी से कहा, हो सकता है वाकई में मिलता हो, क्योंकि मेरी माँ कहा करती थी कि दुनिया में एक सी शक्ल वाले 7 लोग मौजूद होते हैं। अब उस हिसाब से नरेन को तो अभी और 5 से मिलना बाकी है। लैला का ये कहना था कि तीनों के ठहाके गूंज उठे। नरेन यूं तो उसके साथ हंस रहा था, लेकिन मन ही मन उसका शक अब भी वहीं पर था, जबकि उनके साथ खुद भी हंसती हुई लैला ने मन ही मन में चैन की सांस ली। उसे लग रहा था कि फिलहाल के लिए तो उसने नरेन के शक का रुख मोड़ दिया था, लेकिन अब उसे एक धक्का सा जरूर लगा हुआ था कि जब उसकी पिछली जिंदगी का राज सबके सामने खुलेगा तो क्या होगा। उधर गांव में नंदराय अभी अभी बाहर से आया था। उसने घर में आते ही आवाज देते हुए कहा, अम्मा अम्मा कहाँ है? जरा बाहर तो निकल, देख तेरे लिए क्या लाया हूं मैं। उसके लगातार आवाज देने पर अम्मा खांसती हुई अपने कमरे से निकल कर आई। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खराब कर रखा है? तब नंदराय ने उन्हें बाहर बैठक में ले जाकर रखा सामान दिखाते हुए कहा, ये देख तेरे लिए टीवी लाया हूँ, तू घर में पड़ी चिड़चिड़ी हुई जा रही है ना। नंदराय ने हंसते हुए कहा। तब अम्मा ने कुछ और गुस्साते हुए कहा, पैसे की बर्बादी तो कोई तुझसे सीखे, घर में पड़ा तो था टीवी, ये नया लाने की क्या जरूरत थी? तब नंदराय ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे अम्मा ये नए जमाने का टीवी है जिस पर हर वक्त प्रोग्राम आते रहते हैं, और तो और रंगीन टीवी है ये, सारे रंग दिखेंगे। टीवी के बारे में इतना सब कुछ सुनकर अब अम्मा का कुछ कुछ शौक जग तो रहा था, लेकिन कहीं गहरे दिल में पोते के दुख ने उन्हें दुनिया के मोह से खाली कर दिया था। उन्होंने कुछ मायूसी से उदास होते हुए कहा, हाँ मुझ बुढ़िया से मेरा पोता छीन कर अब ये खिलौने देकर तो बहलाना बनता है ना तेरा, और ये सब उस उल्टा की वजह से। लास पिटी के पैर ने मेरे घर की चौकट क्या लांघी, मेरे तो घर की सारी रौनक ही चली गई। अम्मा की बात में लाली का जिक्र सुनकर एक पल को नंदराय का दिल भी उदास हो गया था। पिछले कुछ महीनों से उसने कितनी मुश्किल से खुद को लाली और नरेन की याद से पीछा छुड़ाने के लिए राजी किया था, और आज अम्मा ने इतने दिनों बाद लाली का जिक्र करके एक बार फिर से उसकी दुखती रग छेड़ दी थी। लेकिन उसने खुद को जल्द ही संभालते हुए कहा, तू फिर वो सारी बातें लेकर बैठ गई अम्मा, हमने क्या तय किया था कि हम उन दोनों का नाम तक ना लेंगे अपने घर में, उस छोरी की तो खैर क्या ही बात करें जब अपना पूत ही अपना ना हुआ। कहते हुए वो अपने लहजे की झुंझुलाहट को रोक नहीं पाया। तभी बाहर से किसी ने उसे पुकारा तो उसने जल्दी से कहा, अरे अम्मा तुम बैठो यहीं, वो टेक्नीशियन आया है ये सब कुछ सेट करने के लिए, मैं उससे जल्दी जल्दी सारे काम निपटवाता हूँ,
फिर दोनों माँ बेटे एक बढ़िया सी फिल्म देखेंगे। कहते हुए वो बाहर निकल आया, जबकि बाहर टेक्नीशियन को देखकर ढेर सारे लोग जमा हो गए थे, क्योंकि सभी लोगों को एक खबर मिल चुकी थी कि नंदराय के यहाँ रंगीन टीवी आया है। अब पूरा मोहल्ला टीवी देखने के लिए बेहद बेचैन हो रहा था, और क्यों ना होता, आखिर उनके मोहल्ले में ये पहला कलर टीवी था। जबकि उधर अम्मा टीवी को लेकर इतने शोर शराबे के बीच बस एक ही बात सोचे जा रही थी, अब तो मुझे दुनिया जहान की खुशियां भी लाकर सौंप दे नंदू, लेकिन मेरे दिल से मेरे पोते की याद तो नहीं जानी। बाप बेटे की लड़ाई में मुझ बुढ़िया का कलेजा कैसे कटता है किसी को एहसास भी है? सोचते हुए अम्मा अपनी आंखों में छलक आए आंसू को अपने पल्लू से पोंछने लगी थी। सुजॉय जब घर पहुंचा तो पाहुजा साहब पार्किंग से सटे लॉन में ही बैठे हुए थे। वो वहां बैठकर बेसब्री से सुजॉय का ही इंतजार कर रहे थे, जबकि लौटते हुए सुजॉय भगवान से बार बार यही दुआ कर रहा था कि माँ या डैड में से किसी से भी उसका सामना भी ना हो। लेकिन कार पार्क करते ही उसे पाहुजा साहब नजर आ गए। मारे गए, उसने कार का दरवाजा बंद करते हुए खुद से धीरे से कहा, जबकि उधर पाहुजा साहब ने उसे देखते ही आवाज लगाई, अरे बेटा अभी लौट रहे हो, कैसी तबीयत है लैला की? सुजॉय कुछ नजरें चुराता हुआ उनके पीछे आकर खड़ा हो गया, फिर कुछ झुकते हुए उनके चेहरे से अपना चेहरा सटाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी है लैला अब, कुछ तो बताओ। पाहुजा साहब के लहजे में बेचैनी सी थी। तब सुजॉय उनके पैरों के पास वहीं घास पर बैठ गया और उनके घुटनों पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, थोड़ी तकलीफ ज्यादा थी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोई सिवियर बर्न नहीं हुआ। वो कल मारिया भी छुट्टी पर थी तो इसीलिए मुझे लैला को अकेले छोड़कर आना अच्छा नहीं लगा। तब पाहुजा साहब ने उसके बालों में प्यार से उंगली फेरते हुए कहा, ठीक किया जो रुक गए थे, उसके बड़े एहसान है हमारे ऊपर बेटा, तो आज जब उसे हमारी जरूरत थी तो ये जरूरी था कि तुम उसकी हेल्प के लिए आगे आते। सुजॉय ने धीरे से हामी भरते हुए कहा, हाँ डैड। तब पाहुजा साहब ने जैसे याद करते हुए पूछा, फिल्म की कुछ रिपोर्ट आई, कैसी जा रही है? सुजॉय ने कुछ खुश होते हुए बताया, हाँ लगभग सारी ही जगहों से अच्छी रिपोर्ट्स हैं। कल के मैक्सिमम शोज ज्यादातर जगहों पर हाउसफुल गए हैं, लेकिन असल फिगर तो हफ्ते 10 दिन बाद ही पता चल सकेगा, क्योंकि त्योहारों के मौके पर तो लोग यूं भी फिल्म देखने आते ही रहते हैं। अब ये भीड़ यूं ही कॉन्स्टेंटली बनी रही तभी कोई राय बनाई जा सकती है। उसकी पूरी बात सुनकर पाहुजा साहब ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने मेहनत की है सुजॉय, तुम एक बेहतरीन डायरेक्टर होने की ये पहली सीढ़ी पूरी कामयाबी से तय करोगे। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मेन गेट से हॉर्न की आवाज आई। दोनों की नजरें उस तरफ उठी तो सुजॉय चौंक सा गया, जबकि पाहुजा साहब ने कुछ क्यूरियस होते हुए कहा, ये किसकी कार है? तब सुजॉय ने उठते हुए कहा, डैड जेनी है। पाहुजा साहब ने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा, कौन जेनी? तब सुजॉय ने जेनी को रिसीव करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, बताता हूँ रुकिए। कहकर उसने कार से उतरती हुई जेनी को हक करते हुए ग्रीट किया और फिर कहा, बताना था ना कि तुम आ रही हो, ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा इंतजाम करवा लिया जाता। कहते हुए उसने वहीं पाहुजा साहब के पास लगी चेयर्स की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जेनी ने भी उसके साथ साथ कदम बढ़ाते हुए कहा, यूके में थी तो कभी भी खाने को लेकर इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी, लगी बंधी रूटीन थी, कुछ भी खा लेती थी जिससे सही न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। लेकिन जब से इंडिया आई हूँ ना, ऐसा लगता है कि जिंदगी में खाने के अलावा और कोई जरूरी काम ही नहीं, जिससे भी मिलने जाओ वो बस खाने के लिए फिक्रमंद होने लगता है। इसके अलावा भी जरूरी काम होते हैं मिलने पर, 1 महीने में 2 किलो वेट पुट ऑन कर लिया है मैंने। कहते हुए दोनों पाहुजा साहब के पास पहुंच चुके थे। जेनी ने उनके पास जाकर खुश दिली से कहा, ए पाहुजा अंकल, पहचाना? ने जेनी, जेनिफर डिसूजा। जब उसने अपना नाम जेनिफर बताया तब जाकर पाहुजा साहब को याद आया, ओ जेनिफर डिसूजा, हेलो बेटा, बड़े दिनों बाद आए। पाहुजा साहब को उसके बारे में याद आने पर वो बेहद खुश नजर आ रहे थे, और भला खुश क्यों नहीं होते,
जेनी उनके बचपन के दोस्त डिसूजा की बेटी थी। डिसूजा की मौत के बाद जेनी अपनी माँ के पास यूके शिफ्ट हो गई थी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोनों मिलते ही ऐसे बातें करने लगे जैसे कब के पिछड़े हुए यार हों। जेनी ने पाहुजा साहब के पास वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, मेडिकल प्रोफेशनल्स की जिंदगी भी ना अंकल, क्या ही बताई जाए। कल पूरा इंडिया दिवाली सेलिब्रेशन में बिजी था और हमें सफेद दीवारें और हरे पर्दे देखते हुए फेस्टिवल मनाना था। इसलिए आज जैसे ही छुट्टी मिली मैंने सोच लिया था कि आज सभी जानने वालों के यहाँ मिठाई खाने जरूर जाऊंगी। और तो और मैंने ढेर सारे पटाखे भी लिए हैं कि आज जी भर कर आतिशबाजी करनी है। पाहुजा साहब उसे ऐसे दिल खोलकर बातें करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छा सोचा है। सुजोय ने उन्हें ऐसे बातें करते हुए देखा तो बोला, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। कहकर सुजोय उन्हें बात करता हुआ छोड़ मेट को स्नैक्स के लिए बोलने अंदर चला आया। खाने की कुछ चीजों के साथ जब मेट ने कॉफी के मग्स रखे तो सुजोय ने उससे ट्रे लेते हुए कहा, रहने दो मैं लेकर जाता हूँ। अपने कमरे से नाश्ते के लिए निकल रही लतिका जी ने जब ये देखा तो कुछ ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, ऐसा कौन सा खास मेहमान आ गया है सुजोय जिसके लिए तुम खुद ये सब लेकर जा रहे हो। लतिका जी की आवाज सुनकर एक पल के लिए तो सुजोय के कदमों को जैसे ब्रेक सा लग गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, वो जेनी आई है माँ। कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि माँ जेनी का नाम सुनकर कितना भड़कने वाली है। लॉन में आकर उसने नाश्ते को ट्रे टेबल पर रखा तो पाहुजा साहब और जेनी दोनों लतिका जी के बारे में ही बातें कर रहे थे। उसे इतनी सारी चीजें लेकर लौटता देख जेनी ने जल्दी से कॉफी का मग उठाया और उसे होठों से लगाते हुए बोली, यार मैं यहाँ लतिका आंटी के आने से पहले निकलना चाह रही थी और तुम हो कि इतनी सारी चीजें ले आए। लगता है मुझे आज भी लतिका आंटी की डांट सुनकर ही जाना पड़ेगा। कहकर उसने जल्दी जल्दी कॉफी के सिप लेने शुरू कर दिए। पाहुजा साहब ने उसे लतिका जी से ऐसे डरते हुए देखा तो हंसते हुए बोले, अरे अरे संभल कर, अब जल्दी जल्दी के चक्कर में अपना मुंह न जला लेना। अभी पाहुजा साहब कह ही रहे थे कि तभी कुछ दूरी से लतिका जी की आवाज आई, अरे जेनी बेटा तुम यहाँ यूके से कब आए। कहकर उन्होंने एकदम से आगे बढ़कर जेनी के सामने आते हुए कहा। लतिका जी की इतनी प्यार भरी आवाज सुनकर तीनों के तीनों शॉक्ड रह गए। सुजोय ने पलटकर माँ का चेहरा देखते हुए सोचा, ये माँ को क्या हुआ, इतने प्यार से तो वो मुझसे भी बात नहीं करती, तो फिर ये तो जेनी है, वो जेनी जिसे माँ इतना नापसंद करती थी कि एक बार उसे सीधे घर से निकल जाने को कह दिया था, तो फिर आज। उसकी सोच बीच में ही रुक गई जब लतिका जी की बात सुनकर जल्दी जल्दी कॉफी के सिप ले रही जेनी ने एकदम से फू करते हुए सारी कॉफी के फव्वारे बनाकर उड़ा दिए, और वो फव्वारे और कहीं नहीं बल्कि सामने खड़ी लतिका जी के हाथ और कपड़ों पर छिटक कर जा पड़े। सुजोय ने तो एकदम से अपनी आंखों पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, हो गया, अब इस लड़की को दोबारा यहाँ से धक्के खाकर बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। जेनी की टांगे कांपने लगी थी, उसने एकदम से उठकर टेबल पर रखा ढेर सारा टिश्यू हाथों में लिया और लतिका जी के कपड़ों और हाथों पर फेरते हुए बोली, सो सॉरी आंटी, पता नहीं कैसे हो गया, I'm really very sorry। पाहुजा साहब भी सकते में थे कि अब पता नहीं लतिका जी क्या करने वाली थी, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता था कि लतिका जी जेनी को जरा भी पसंद नहीं करती। लेकिन तभी सबकी उम्मीदों को तोड़ते हुए लतिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है, मैं वैसे भी अभी शावर लेने ही जा रही थी, तो कोई बात नहीं। लतिका जी का लहजा सुनकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जेनी के प्रति लतिका जी का प्यार कौन से नए खतरे की घंटी है। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।